अरुणाचल के साथ दिल का रिश्ता चाहती है। हमें राजनीति है मगर हम आपसे दिल का रिश्ता चाहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस की विचारधारा है और जो कांग्रेस के लोग हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है, उनको वो हिंदुस्तान से मिटाना चाहते हैं। अब देखिए उनके दिल में कितनी नफरत है। हम हिंदुस्तान से किसी को नहीं मिटाना चाहते हैं। जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं उनको भी हम नहीं मिटाना चाहते हैं, मगर हम उनसे यह जरूर कहेंगे कि आपकी विचारधारा है उससे आप अपनी जिंदगी जियो, उससे आप अपना काम करना चाहते हो आप करो, मगर आपकी विचारधारा आप अरुणाचल प्रदेश पे, मणिपुर पे, बाकी प्रदेशों पे नहीं डाल सकते हो, हम नहीं डालने देंगे। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति की बात करते हैं। पुलवामा में अटैक हुआ, पूरा हिंदुस्तान दुखी था। मैंने अपने प्रोग्राम कैंसिल किए, मैंने कहा कि नहीं अब मैं कोई प्रोग्राम नहीं करूंगा। बम फटने के एकदम बाद नरेंद्र मोदी कॉर्बेट पार्क नेशनल पार्क में अपनी पिक्चर बना रहे थे। वहां पे पुलवामा में लोग शहीद हुए और देश के प्रधानमंत्री 3.5 घंटे उसके बाद मेकअप लगा के, बाल बना के वहां पे पोजिंग कर रहे थे ऐसे यू। मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं झूठे वायदे कर जाते हैं। आपसे कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को कहा कि हम जीएसटी लाएंगे और आपकी जो जिंदगी है वो आसान हो जाएगी। भाषणों में कहा नरेंद्र मोदी जीएसटी लाएंगे, एक हिंदुस्तान एक टैक्स, आसान कम से कम टैक्स। 12 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी ड्रामा करके जीएसटी लाते हैं। देश की जनता को पता लगता है जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स। जो पैसा आपके जेब में था, आपका पैसा, वो भी निकाल के ले गए। कहा था कि भैया हम आपको पैसा देंगे, रोजगार देंगे, और आपके जेब में जो था वो भी उठा के ले गए। 5 अलग अलग टैक्स आज तक, वो तो है, आज तक किसी को नहीं मालूम ये गब्बर सिंह टैक्स क्या है, कैसे भरा जाता है, क्या करना है। तो हमने निर्णय लिया है 2019 में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, गब्बर सिंह टैक्स को हटा के हम आपको जीएसटी दे देंगे। एक जीएसटी, साधारण जीएसटी, कम से कम टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स नहीं। यह काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है, हम जानते हैं कैसे करा जाता है। उससे पहले पता नहीं क्या होता है नरेंद्र मोदी जी, पता नहीं क्या हो जाता है उनको दिमाग में, पता नहीं क्या टेंशन आ जाती है। 8 बजे रात को एक दिन टीवी पे आते हैं, फिर से मतलब पूरा सेट करके कहते हैं मित्रों 500 रुपए का नोट
और 1000 रुपए का नोट मैं रद्दी कर रहा हूं। 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। उनकी सोच समझिए ना। नरेंद्र मोदी जी के लिए विकास का मतलब 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दो। आप किसी भी दुनिया में किसी भी इकोनॉमिस्ट से जाकर पूछ लो, इकोनॉमिस्ट छोड़ो, आप अरुणाचल के किसी भी हाई स्कूल में चले जाओ, किसी भी बच्चे से पूछो जो मतलब बेसिक इकोनॉमिक समझता हो, और उससे पूछो ये जो नोटबंदी है 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द करने की जो स्ट्रेटजी है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? 8 साल का बच्चा आपको बताएगा ये तो बिल्कुल बेवकूफी है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। मगर ये बात हमारे प्रधानमंत्री को नहीं समझ आती। आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया, हर भाषण में कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई, काले धन के खिलाफ लड़ाई। आप यहां बैंक के सामने खड़े थे, लाइन में आपने काले धन वालों को देखा? कोई आपको एक मिला? नीरव मोदी जो है 35,000 करोड़ रुपए वाला, वो मिला आपको लाइन में? अच्छा एक बात मुझे बताओ, आजकल हिंदुस्तान में सब चोर हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? अच्छा पहले कहते थे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, इलेक्शन लड़ रहे हैं 2014 में पूरी कैंपेन की, कहते मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है। उसके बाद चौकीदार ने भयंकर भयंकर चोरी की। अच्छा कल मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया चोरी चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो? चोर पकड़ा गया कहता हम सब चौकीदार। 2014 में नहीं कह रहे थे हम सब सब चौकीदार, कह रहे थे मैं चौकीदार। भाषा निकाल कि मित्रों मुझे चौकीदार बनाओ, उन्होंने यह नहीं कहा था मित्रों हम सब चौकीदार बनेंगे। मगर परसों कहते हम सब चौकीदार, क्योंकि चौकीदार की 30,000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। कैसे की मैं बताता हूं। मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी ने राफेल हवाई जहाज का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका नेगोशिएशन एयरफोर्स को दिया, कहा कि देखिए आपको हवाई जहाज खरीदना है, आप निर्णय लीजिए, आप नेगोशिएट करिए। एयरफोर्स गई, अलग अलग हवाई जहाजों को टेस्ट किया, राफेल हवाई जहाज फ्रांस का हवाई जहाज चुना। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उनसे 2-3 चीजें कही, कम से कम दाम पे खरीदना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी है उसे कॉन्ट्रैक्ट देना है, हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाएंगे, हाई टेक्नोलॉजी का हवाई जहाज बनेगा, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल हब बनेगा, अलग अलग उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हिंदुस्तान में बनेंगे, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। एयरफोर्स के लोगों ने कहा हां हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनेगा, एचएएल बनाएगी, 70 साल का एक्सपीरियंस है और कम से कम पैसे में हम हवाई जहाज खरीदेंगे। और एयरफोर्स ने उस समय 526 करोड़ एक हवाई जहाज के लिए नेगोशिएट कर लिया था। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, चौकीदार जी आते हैं सूट बूट पहन के, चौकीदार जी आते हैं आपसे कहते हैं भाइयों और बहनों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, चलो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, और अपने हवाई जहाज में पेरिस जाते हैं अनिल अंबानी के साथ। फ्रांस के राष्ट्रपति से कहते हैं देखिए वो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे आप छोड़िए, अब मैं आपको नई चीज बताता हूं, मैं हिंदुस्तान का चौकीदार हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, ठीक है, मैं अभी दरवाजा खोलने जा रहा हूं, घर का दरवाजा मैं खोलने जा रहा हूं, आप अंदर आगे चोरी कीजिए। अब सुनिए, सबसे पहले मेरा यह मित्र है अनिल अंबानी, ये बहुत बड़ा चोर है,
किसको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे? दूसरी बात, ये जो 526 करोड़ का रेट है ये नहीं चाहिए हमें। आप ऐसे कीजिए, अनिल अंबानी को पैसा दिलवाना है, आप 1600 करोड़ रुपए के लिए एक हवाई जहाज हमें भेजिए। साफ बोला कि कॉन्ट्रैक्ट एचएल को नहीं देना है, कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को देना है, और 526 करोड़ नहीं होगा, 1600 करोड़ रुपए में हिंदुस्तान हवाई जहाज खरीदेगी। मतलब ट्रैक्टर पर निकाल देता है, कहता है कैसे होगी, जब तक मैं चौकीदार हूं सीबीआई कैसे इंक्वायरी करेगी। उसको निकाला, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं इसको वापस लाइए, प्रधानमंत्री से कहते हैं इसको रीइंस्टेट करिए, प्रधानमंत्री उसको रीइंस्टेट करता है, 6 घंटे में फिर से निकाल देता है। तो बिल्कुल कागज पर साफ लिखा है कि हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है।